नमस्कार दर्शकों, मैं आर्य अग्निहोत्री आप सबका स्वागत करता हूं। दर्शकों, आज हम बात करेंगे धनु राशि वालों के लिए वर्ष 2023 से 2025 तक का समय कैसा बीतने वाला है, इन दो वर्षों में क्या लाभ होगा, क्या नुकसान होगा, कौन सी घटनाएं घटित होंगी, सभी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से हम जानने वाले हैं। तो आइए जानते हैं धनु राशि वालों की शनि की साढ़े साथी 17 जनवरी 2023 से समाप्त हो चुकी है। साढ़े साथी में धनु राशि वालों ने काफी कष्टदायक समय निकाला है। कई लोगों के ऊपर तो कर्जा चढ़ गया है, कई लोग मानसिक रूप से अभी भी परेशान है और कई लोग तो पारिवारिक स्थिति को लेकर के परेशान है। कई लोगों ने घर छोड़ दिया है, आर्थिक स्थिति बहुत ज्यादा खराब है, नौकरी की तलाश कर रहे हैं, कई लोग व्यापार की स्थिति को प्रयास कर रहे हैं बनाने के लिए, मजबूत बनाने के लिए। तो अगले दो वर्ष जो धनु राशि वालों के रहेंगे कैसे रहने वाले हैं? धनु राशि वाले जो लोग होते हैं ये स्पष्टवादी होते हैं, सत्यवादी होते हैं, कभी किसी का बुरा नहीं सोचते हैं और ये काफी ज्ञानवान भी होते हैं। किसी को यदि कोई सलाह की जरूरत हो तो धनु राशि वालों से ले, क्योंकि काल पुरुष की कुंडली में धनु राशि को भाग्य का स्थान मिला है और धनु राशि वाले बहुत कम उम्र से धन कमाना प्रारंभ कर देते हैं, लेकिन शनि की साढ़े साथी इनकी बहुत ही खराब होती है। यदि शनि कुंडली में ज्यादा खराब स्थिति में बैठा है तो शनि की साढ़े साथी धनु राशि वालों को काफी कुछ नुकसान पहुंचाती है। और जिन धनु राशि वालों की कुंडली में शनि की स्थिति मजबूत है उनको ज्यादा कोई बुरा परिणाम देखने को नहीं मिलता। धनु राशि वाले जो होते हैं काफी ज्ञानी प्रवृत्ति के लोग होते हैं, इनके अंदर ज्ञान कूट कूट कर भरा होता है। ये धार्मिक भी होते हैं, धर्म कर्म से जुड़े होते हैं और अच्छी सलाह देने का काम करते हैं। ये समाज सेवी होते हैं, परोपकारी होते हैं, सत्यनिष्ठा होते हैं और नेतृत्व कुशलता में तो बहुत ही परिपूर्ण होते हैं। धनु राशि वालों के लिए अगले जो दो वर्ष हैं ये कैसे बीतेंगे, क्योंकि 17 जनवरी 2023 को शनि मकर राशि को छोड़कर के कुंभ राशि में गोचर करना प्रारंभ कर दिया है और यह गोचर धनु राशि के हिसाब से तीसरे भाव में गोचर होगा। तीसरा भाव जो कि शनि का कारक भाव माना जाता है, गोचर कुंडली के अनुसार से शनि तीसरे भाव में, छठे भाव में और एकादश भाव में, इन तीनों भाव में जबरदस्त लाभ देने का काम करते हैं। तो शनि का तीसरे भाव में गोचर प्रारंभ हो गया है और तीसरा भाव जो होता है ये होता है बल का, पराक्रम का, संघर्ष का, साहस का, भाई बहनों का। यहां पर शनि का गोचर सबसे ज्यादा लाभदायक सिद्ध होता है। तो धनु राशि वालों के लिए ये बहुत ही शानदार स्थिति बन चुकी है, अब आपको लाभ होगा। लगभग शनि 3 महीने तक बहुत ही मंदे फल देते हैं, तो ये समझ जाइए कि जनवरी, फरवरी और मार्च इन महीनों में मंदे फल आपको देखने को मिलेंगे। मार्च के बाद शनि आपको जबरदस्त लाभ देने का काम करेगा, क्योंकि शनि जिस भाव में बैठता है उस भाव के फलों में वृद्धि करने का काम करता है। तीसरे भाव में शनि गोचर करेगा और अपनी राशि में कुंभ राशि में, कुंभ राशि शनि की प्रिय राशि मानी गई है, मूल त्रिकोण की राशि है, तो कुंभ राशि में शनि का गोचर सबसे अच्छा माना जाता है। और कुंभ राशि में गोचर करेगा तीसरे भाव में तो भाग्य भाव को देखेगा पूर्ण दृष्टि से, तो भाग्य में वृद्धि करने का भी काम करेगा। वैसे तो शनि की जो दृष्टि होती है वो शुभ नहीं होती है, लेकिन जब शनि स्वराशि का होता है और कारक भाव में गोचर करता है तो काफी हद तक दृष्टियां भी शुभ मानी जाती है। इस कारण से शनि की जो तीसरी दृष्टि होगी वो पंचम भाव में होगी, तो शिक्षा के लिए बहुत अच्छा समय रहेगा, संतान के लिए भी अच्छा समय रहेगा, प्रेम विवाह में सफलता भी दिलाने का काम करेंगे और भाग्य भाव में पूर्ण दृष्टि होने से भाग्य में वृद्धि करने का भी काम शनि करेंगे। वही यदि हम दशम दृष्टि की बात करें तो 12वें भाव में शनि की दृष्टि होगी। 12वें भाव में शनि की दृष्टि होगी तो यदि आप विदेश जाना चाहते हैं,
विदेश में नौकरी करना चाहते हैं, व्यापार करना चाहते हैं या भ्रमण करने के लिए जाना चाहते हैं, तो योग जरूर बनेगा। वही गुरु भी आपको सपोर्ट करने का काम करेंगे, क्योंकि धनु राशि के जो स्वामी होते हैं वो होते हैं गुरु, और गुरु ज्ञान के कारक हैं, गुरु धन के कारक हैं, और गुरु आपकी गोचर कुंडली में अच्छे भाव में गोचर कर रहे हैं। क्योंकि अप्रैल 22 अप्रैल 2023 तक जो है गुरु आपके चौथे भाव में हंस नामक राजयोग बनाएंगे, तो जबरदस्त लाभ देने का काम करेंगे, गुरु आपको सपोर्ट करने का काम करेंगे। 22 अप्रैल 2023 के बाद गुरु पंचम भाव में मेष राशि में मित्र के घर में और कारक भाव में गोचर करेंगे। इस कारण से 22 अप्रैल के बाद आपकी स्थिति और जबरदस्त हो जाएगी, और ये समझ जाइए कि अप्रैल से आपका समय जबरदस्त होगा, क्योंकि गुरु जब पंचम भाव में अपने कारक भाव में गोचर करते हैं तो उच्च शिक्षा के योग बनाएंगे, प्रेम विवाह में सफलता दिलाने का काम करेंगे, जिन लोगों का विवाह नहीं हुआ है तो विवाह करवाने का काम गुरु करेंगे। साथ ही साथ जो है पंचम दृष्टि भाग्य भाव में गुरु की भी होगी, तो भाग्य में वृद्धि करने का काम भाग्य आपका साथ देगा, किस्मत आपकी साथ देगी। गुरु की सप्तम दृष्टि आपके लाभ भाव में पड़ेगी, तो लाभ देने का काम भी यहां पर गुरु करेंगे, आय में वृद्धि करने का काम करेंगे, आर्थिक स्थिति आपकी मजबूत होगी। और गुरु की जो नवम दृष्टि है वो आपके लगन भाव में पड़ेगी, तो आपका स्वास्थ्य बढ़िया रहेगा, कॉन्फिडेंस भी आपका बना रहेगा, और बड़े बड़े कार्यों में आपकी रुचि बढ़ेगी, किसी भी चीज में आप हाथ डालेंगे उसमें आपको सफलता मिलेगी 22 अप्रैल 2023 के बाद। तो गुरु आपको सपोर्ट करने वाले हैं, और गुरु पंचम भाव में अगले एक वर्ष तक विराजमान रहने वाले हैं, लगभग 2 साल का जो समय है ये आपका बहुत ही शानदार रहेगा। शनि आपको 3 महीने के बाद जबरदस्त लाभ पहुंचाने का काम करेंगे, कोई भी बड़ा कारोबार आप कर सकते हो, कारखाना प्रारंभ कर सकते हो, या फिर आप शिक्षा के क्षेत्र में, एजुकेशन के क्षेत्र में, धर्म कर्म से जुड़े हुए कार्य भी करते हैं तो उसमें भी आपको सफलता जरूर मिलेगी, क्योंकि धनु राशि वाले ज्ञानी होते हैं, शिक्षा इनकी पूर्ण होती है, शिक्षित होते हैं, कम पढ़े लिखे हो करके भी इनके पास ज्ञान का भंडार होता है, और ये एजुकेशन से जुड़े हुए काम कर सकते हैं, समाज सेवा से जुड़े हुए काम कर सकते हैं, धर्म और कर्म से जुड़े हुए काम कर सकते हैं। वही जो है यदि आप ज्ञान से जुड़ी हुई काम करते हैं तो आपको जबरदस्त लाभ देखने को मिलेगा। तो जो धनु राशि वाले होते हैं ये जो है प्रखर बुद्धि के होते हैं, सत्यवादी होते हैं, और यदि इनसे ज्ञान कोई लेकर के काम करे तो उसको सफलताएं भी बहुत जल्दी मिलती हैं। तो ये किसी का बुरा नहीं चाहते, लेकिन ये किसी का बुरा नहीं चाहते हैं, ये कई बार अपनी मानसिकता को कोसते हैं कि हम किसी का बुरा नहीं चाहते हैं तो हमारा क्यों बुरा होता है। तो देखो ये समय की बात है, ग्रहों की स्थिति आपकी पत्रिका में कैसी है, ग्रह क्या फल दे रहे हैं, अन्य ग्रहों को भी देखा जाता है, सिर्फ गुरु को ही नहीं देखा जाता है। आपकी कुंडली में गुरु महत्वपूर्ण होता है, गुरु का सबसे ज्यादा रोल होता है, क्योंकि राशि का स्वामी ही गुरु है, और गुरु यदि शुभ हो तो बहुत सारे क्षेत्र आपको वैसे ही सफलता दे जाते हैं, जिस चीज में आप हाथ डालेंगे उस चीज में आपको सफलता मिलेगी। देखा गया है कि ऐसे लोग 18 वर्ष की उम्र से ही सफलता प्राप्त कर लेते हैं, इनका भाग्य 18 वर्ष से 37 वर्ष के अंदर ही हो जाता है, और अपना नाम यश मान सम्मान कमाने का काम करते हैं, और यदि ये धर्म के क्षेत्र में जुड़ जाए तो इनको सबसे ज्यादा सफलता देखने को मिलती है। तो धनु राशि वालों के लिए यदि देखा जाए तो अगले जो 2 वर्ष है बहुत ही शानदार बीतने वाले हैं, और कई सारे क्षेत्रों में आप लाभ ले सकते हैं, जैसे शिक्षा का क्षेत्र हो, या फिर जो है कंस्ट्रक्शन का काम हो, या फिर जो है सोशल वर्क हो, या धर्म से कोई जुड़ा हुआ काम हो, या फिर आईटी सेक्टर इंजीनियरिंग से जुड़ा हुआ काम हो, या फिर जो है ट्रांसपोर्ट का काम हो, नेटवर्किंग से जुड़ा हुआ काम, सोशल मीडिया से जुड़ा हुआ काम, इन सभी क्षेत्रों में लाभ जो है आपको मिल सकता है। बिल्कुल आप जो है प्रयास करिए, संघर्ष करिए, सफलता आपको जरूर मिलेगी। बात करें उपाय की तो कोई विशेष रूप से यदि आपको उपाय करना है तो सूर्य को आप प्रतिदिन जल दें, जिससे आपका भाग्य बहुत अच्छा साथ देगा। तो दर्शकों आज बस इतना ही, धन्यवाद।
यदि आप अपनी कुंडली का विश्लेषण घर बैठे करवाना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर से संपर्क करें। साधारण फीस जमा करके आप अपनी कुंडली का विश्लेषण फोन के माध्यम से घर बैठे ही करवा सकते हैं और जान सकते हैं अपने भूत, भविष्य और वर्तमान के बारे में। धन्यवाद। व्हाट्सएप नंबर 9479893।